है तो युवा शक्ति का इनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है ना। और जितने लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनका बहुत समर्थन इसलिए करते हैं कि सच्चाई को बाहर निकाल करके शासन तक पहुंचा दे, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। हम लोग का जितना भी मुद्दा है, झकास भारत के एक विद्यार्थियों का बोल है जो सरकारों तक इनकी पहुँचा रहे हैं, और यही हम कहना चाहते हैं कि झकास भारत हमेशा सच्चाई का। झकास भारत एक बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता है, मतलब गुडनेस यूट्यूबर चैनल है, बहुत अच्छा है, इनको सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे तरीका से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए झकास भारत को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, ये लोग झकास भारत को बारे में बता रहे थे तो हमने सोचा कि अपना तारीफ भी कुछ सुन लिया जाए। अमित जी, 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर कुछ गीत लिखे हैं और सुनाते भी हैं, जरा हम भी सुनते हैं, क्या सुनाते हैं अमित जी? सर, एक गीत तो जो हमारी हालात है उसको बयां करती है, एक गीत हम उस पर बनाए हैं कि हमारे में से करीब 90% लोग, 90% लोग जो है प्राइवेट विद्यालयों में काम करते थे पहले, और सरकार की ये इतनी लंबी बहाली प्रक्रिया जो आने के बाद उनको नौकरी करना पड़ा। बाबू उधर से चले जाओ तो तो आने के बाद क्या है कि उनको नौकरी छोड़ना पड़ा, और तो उसी पे हम लिखे हैं, एक गीत है। सुनो ये भैया पटना चलो, कसके वे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, चलो उसको लाइन को बदलते हैं। नहीं, सुनो ए सर जी, कर दो हमारी बहाली, नहीं तो कट जाएगी ऐसे जवानी। हम भी नौकरी में थे, हम सब नौकरी में थे, इनसे देखा गया ना, सबकी नौकरी लिए हैं। चलो ए भैया पटना तो होगी बहाली, नहीं तो कट जाएगी ऐसे जवानी। हम भी नौकरी में थे, हम सब नौकरी में थे, इनसे देखा गया ना, सबकी नौकरी लिए हैं। तो ये लाइन जो एक्चुअली बनाया कि हमारी नौकरी गया, लेकिन एक दूसरा लाइन बनाया कि अभी 27 तारीख हम सबको पटना आना है, तो उसके लिए हमने बनाया है कि घर से हम पटना चले हैं, घर से हम पटना चलेंगे, जय बिहार तेरे लिए, शिक्षा लिया है तो शिक्षक बनेंगे, जय बिहार तेरे लिए। घर से हम पटना चले हैं, घर से हम पटना चले हैं, जय बिहार तेरे लिए, शिक्षा लिया है अब संघर्ष करेंगे, जय बिहार तेरे लिए, शिक्षा लिया है तो शिक्षित करेंगे, जय बिहार तेरे लिए। मुन्नी जी सुनिए, विनीता जी सुनिए, सुनिए रजिंदर सर जी, हम और मेरे साथी सब हैं आपके साथ जी, हर कदम हम साथ हैं, साथी मेरे दोस्त जी, हम जिएंगे और मरेंगे, जय बिहार तेरे लिए, शिक्षा लिया है तो शिक्षित ही करेंगे, जय बिहार तेरे लिए, शिक्षा लिया है तो शिक्षित करेंगे, जय बिहार तेरे लिए। एक हमारे पॉजिटिव सर हैं, एक्चुअली रंजीत सर, वो बी पॉजिटिव करते हैं, आजकल उनकी शादी हो गई है, तो इसलिए मैंने उनके ऊपर लिखा। एक व्यंग है, हास्यास्पद व्यंग है, तो इसको सीरियस ना ले कोई, तो हमने उन पर लिखा था कि अरे पता नहीं पॉजिटिव वाले सर कहाँ गए, अरे शादी करके वो तो अपना घर बसा लिए, शादी करके वो तो अपना घर बसा लिए। सुनो ए सर जी, देखो सर जी, कर दो एक काम,
मिलता है तो चचा को जाके दे दो एक जाम, क्योंकि हर पता नहीं है कौन सा नशा करता है। चचा मेरा हम सब से खफा रहता है, शिक्षक और शिक्षा को तूने देखे सुबह शाम, हम सब के विरोध में ही करता है हर काम। जय हिंद जय भारत। ये अमित जी हैं नालंदा से, और इतना अच्छा सुर लगा रहे थे, कई लोगों ने बताया। कितने गाना लिखे हैं अमित जी? तकरीबन हमने दर्जनों गाने लिखे हैं, और हमारे जो सोशल मीडिया पे जितने यूट्यूब और आप कह सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए या टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शिक्षकों को मोटिवेट करते हुए 2 महीना हो गया करीब सर, ठीक है। ऐसे ही सोच सोच के गाने लिखे जो हमारे ऊपर बीतता है। बीएड कब किया सर? बीएड हमने 16-18 में किया था। 16-18? हाँ हाँ हाँ। जितना बार आया सब पास कर गया। सब पास कर गया। बताइए सारे के सारे। ये जब एग्जाम देते हैं तब पास हो जाते हैं, मगर ये हैं इतना अच्छा सुरीला अंदाज में गाना गा रहे थे अमित जी, इनसे मैं बात कर रहा था। और अभी के लिए इतना ही कहूँगा, और भी कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को गाना के अलावा? बिल्कुल, हम कहना ये चाहेंगे, हाँ ये कहना चाहेंगे कि देखिए आप जो है इस बिहार के हम सब के तमाम जितने लोग हैं आपसे आशा उम्मीद रखते हैं, हम अभी भी उम्मीद रखते हैं आपसे, अभी भी हमारे जितने भाई बंधु हैं सब में एक आशा की किरण है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आपसे हाथ जोड़ करबद्ध एक निवेदन है सर कि हम तमाम शिक्षकों को, अगर ये 94,000 सीटें भर गई ना सर, तो आपकी निगरानी जो काम नहीं किया है ना आज तक कि फर्जी शिक्षकों को निकाला है, हम खुद उनको निकलने पर विवश कर देंगे। या तो घर से आकर के विद्यालय में पढ़ाएंगे, या तो घर छोड़कर घर को वापस जाएंगे विद्यालय छोड़कर, वो खुद नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थी आपको डायरेक्ट बताएंगे कि ये शिक्षक जो है फर्जी शिक्षक है, हमें भर्ती कर दीजिए। और आप जो पूरे भारत में ये बिहार का नाम बदनाम है कि एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी को हम बरकरार रखेंगे, मेंटेन करेंगे, और आपसे वादा करते हैं हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ बैठे हैं सब एक से बढ़कर एक जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर करके आए हैं, जो भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पढ़ करके आए हैं, तो अगर इनकी बहाली हो जाती है ना सर, तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो बचा हुआ है ना इसमें भी आपका भर जाएगा। और इसलिए हम तो सरकार से पॉजिटिव और अच्छा ही चूंकि उम्मीद रखते हैं, रखना भी चाहिए चूंकि काम तो वही करेंगे ना, इसलिए बहुत उम्मीद है। हम नालंदा से बिलोंग करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी नालंदा से हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम तमाम शिक्षकों को वह जगह दीजिए जिसके हम हकदार हैं। हम शिक्षक का भर्ती आंदोलनकारी नहीं है, हम पेशे से शिक्षक हैं, हमें तो मजबूरन बना दिया गया आंदोलनकारी, और आंदोलनकारी शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खाए, हमारे खाने फेंक दिए गए, टेंट उखाड़ दिए गए, फिर भी डटे हुए, और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें हमारा एक ही बस समझ लीजिए एक ही जोश और जुनून है कि हमें वो विद्यालय का पहुंचा दीजिए। आप विद्यालय पहुंचा दीजिए, सर्टिफिकेट की जांच करिए, बाद में वेतन दीजिए, उसका फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर जोश और जज्बा एक चीज़ का है कि हमारे शिक्षक जो जितने भाई बंधु एक चीज़ सोचते हैं कि उन बच्चा जो वो बच्चा है उसका क्या गलती है, वो इतने अच्छे शिक्षकों की बाट जो रहे हैं, एक साल से इनका तो पढ़ाई ऐसे ही खराब हो गया और वो एक एक दिन भारी पड़ रहा उनका। हम चाह रहे हैं अपने आप को जितना जल्दी स्कूल में पहुंचा दे और पहुंचा करके अपना अलग जगाएं, भविष्य निर्माता हम हैं तो भविष्य का निर्माण करें, ये सड़क पर बैठ करके समय व्यर्थ न करें। इतना ही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। 26 जनवरी है, संविधान में बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ, मूलभूत सुविधाएँ सबको मिलना चाहिए, शिक्षा का भी अधिकार है, तो उसके लिए बताइए कि बिहार के बच्चों को क्या अधिकार नहीं है? और अधिकार है तो हम तमाम शिक्षक जो यहाँ NCT के सभी मानकों पर हम लोग जो खड़े उतरे हैं फिर भी आज सड़कों पर क्यों हैं? आपसे कहना चाहते हैं कि उनको जल्दी से विद्यालय भेज दीजिए, आपका जो है बहुत एक अच्छा काम हो जाएगा। तमाम अभ्यर्थियों से मिलने का सिलसिला जारी है। अमित जी अभी बड़ा अच्छा कविता और गीत सुना रहे थे और कई बातें इन्होंने कहा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन साहब जी थोड़ा नाम बता दीजिएगा। रंजन जी हैं, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे, रंजन जी को धन्यवाद कहेंगे क्योंकि उन्होंने कैमरा पकड़ा है, तो वैसे जो भी अभ्यर्थी पकड़ते हैं मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अभी के लिए इतना ही कहूँगा, झकास वाला चैनल आप देखते रहिए, धन्यवाद। जितने भी है एस्टेट का भी बहाली जो इन्होंने दिखाया था, मामला जो फर्जी था तरीकों से लिया गया था, क्वेश्चन आउट इनका मैंने निष्पक्ष था उसमें, और इन्होंने खरा उतारा, हम लोग को योगदान दिया, फिर से एस्टेट करवाएं। और आज भी हम लोग का जितना भी मुद्दा है, झकास भारत के एक विद्यार्थियों का बोल है जो सरकारों तक इनकी पहुंचा रहे हैं, और यही हम कहना चाहते हैं कि झकास भारत हमेशा सच्चाई का मुद्दा रखता है और हम लोग का बस ये लोग तारीफ कर रहे थे। तमाम यूथ से ये आग्रह करना चाहते हैं कि वो झकास भारत से निश्चित जुड़े, क्योंकि ये यूथ से जुड़ा हर मुद्दा आपके हक का हो या आपके अधिकार के साथ ज्यादती हो रहा, वो तमाम चीज़ निस्वार्थ भाव से दिखाते हैं। ये आने वाले आपके फ्यूचर में
बहुत ही मददगार साबित हो। झकास भारत एक बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता है, मतलब गुडनेस यूट्यूबर चैनल है, बहुत अच्छा है, इनको सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे तरीका से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए झकास भारत को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, ये लोग झकास भारत को बारे में बता रहे थे तो हमने सोचा कि अपना तारीफ भी कुछ सुन लिया जाए अभी के लिए, और बाकी खबरें देखिए इसमें। झकास भारत बिहार में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी तो है, सो ही ये दरोगा का हो गया, ये पुलिस का हो गया, एसएससी का हो गया, जितने तरह का हम खासकर अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का जो मुद्दा है बढ़ चढ़ कर उसको उठाते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं। उस सच्चाई, इस जमीन से जुड़े पत्रकार इसलिए कहे जाते हैं, देखिए इनका व्यूअर बहुत कम हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आते हैं रोड पर, सड़कों पर हम परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं या विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, उनकी तमाम समस्याओं को जड़ से निकाल कर कर करके जो है हम जनता के बीच रखने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई, इनकी पत्रकारिता में एक चीज़ जरूरी सच्चाई है, ये हमारे आंदोलन 18 तारीख से चल रहा है लेकिन 17 तारीख से झकास भारत जो है हमारे बीच बना हुआ है, और ये बना हुआ इसलिए क्योंकि सच्चाई, जब शुरू से रहेंगे तभी तो सच्चाई दिखाएंगे ना, क्या सच्चाई है वो दिखाते हैं शुरू से ही, इसलिए हम इनका धन्यवाद इसलिए कहना चाहेंगे कि ये तमाम हम जितने यूथ हैं, है ना, युवा जो हम शक्ति हैं, तो युवा शक्ति का इनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है ना, और जितने लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनका बहुत समर्थन इसलिए करते हैं कि सच्चाई को बाहर निकाल करके शासन तक पहुंचा दे, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, कोई फर्जीवाड़ा जो पत्रकारिता में है वो इनमें नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे जरूर।